नमस्कार दोस्तों, आपका व्लॉग में वापस स्वागत है। हम जा रहे हैं बोटानिकल गार्डन। कहाँ जा रहे हैं पापा? अपन बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन सामने का विहंगम दृश्य का आनंद लीजिए। राइट साइड में हमारे दल लेक है, पीछे वाले भाई साहब को थोड़ी तकलीफ हो गई, उनको जाने देते हैं। मुझे नहीं मालूम कैमरा में दिख रहा है कि नहीं रहा, दूर वहाँ पे सफ़ेद हजरत बल दिख रहा है। हजरत बल के ठीक ऊपर पहाड़ी के ऊपर शंकराचार्य जी का मंदिर और ये दल लेक दिख रहा है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह पे दूसरी तरफ भी एक लेक है। ये कौन सा है मुझे नहीं पता, ये भी बहुत सुंदर है। और पीछे की तरफ उधर है ना, वहाँ पे वॉक करने की भी जगह है और बीच में शायद मशीन लगी हुई है लेक को क्लीन करने के लिए। थे ये हम जा रहे थे तो जाते जाते ना ये घाट दिखी है और ये बहुत ही सुंदर दृश्य। तो हमने साइड में गाड़ी लगा दी है एक बार रोड साइड में। और यहाँ पे कश्मीर में जो श्रीनगर नाम का जो सुंदर सा शहर है उसका एक अलग दृश्य देख करके उसको आनंदित महसूस करें। ये कुछ पत्ते निकाल रही है, जल कुंभी है वैसे तो। ये हट्स बनाए हैं यहाँ पे बैठने के लिए, यहाँ बैठ के थोड़ा जीवन का आनंद लेते हैं। आप देखो ये चील देखो, कुछ ये मछली उसकी पकड़ने के मूड में लग रही है। ये चील ने झपटा मारा, कुछ उठाया उसने, ये लेके पकड़ के देखो कुछ बढ़िया। मैं यूज़फुल नहीं था उसके लिए इसलिए उसने उसको फेंक दिया। ये कुछ जलकुंभी निकाल रहे हैं शायद, ये देखो ले जा रहे हैं जो चीज़ है ना, ये निकाल के ले जा रहे हैं। तो ये शायद मेरे हिसाब से तो लेक क्लीनिंग का प्रोसेस है ज़्यादा। ये एक और भाई साहब आए हैं पर्सनल बोट में, ये देखो कितनी शांति है, ऐसे घुमाना चाहिए था मुझे। ये ज़्यादा अच्छा शॉट आता, ये मैंने पूरा उधर से इधर दिखाया, बिल्कुल कोई आदमी नहीं, कोई नहीं है लोग, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। अब मेरे हिसाब से ये जो माइक है ना इसमें आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी, तो एडिटिंग करेंगे ना तभी पता चलेगा। काफ़ी तेज़ हवा है। ये निहारिका जी, शिव जी महाराज, ये अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना तो ये जो कश्मीर है, श्रीनगर, कश्मीर का जो श्रीनगर शहर है, ये स्टार्ट जो है ना शुरू में सम्राट अशोक को जब बिंदुसारा ने भेजा था इधर, तो उस टाइम उनका बसाया हुआ शहर है ऐसा माना जाता है इसको। गार्डन में ये देखो बाहर भाई साहब एकदम ध्यान रख रहे हैं, फुलबाड़ी कर रहे हैं, उधर भी फुलबाड़ी कर रहे हैं। ये निषाद गार्डन का एंट्रेंस 24, ये देखो निषाद गार्डन 24 रुपए की एक है टिकट। शिव जी कितने की? 24 रुपए की बड़ों की है और 12 रुपए एडल्ट जो बच्चों की है। तू बच्चे में गिनते में आए बड़े में आए? बड़े में आए। शिव पाकर के ये हम आ गए निषाद गार्डन में। भीड़ बहुत है ना, काफी लोग आए हुए हैं देखने के लिए, बहुत सुंदर है। अब इसमें क्या है कि ये शाहजहाँ के टाइम पे या शाहजहाँ से पहले है ना ये बना है गार्डन। और 12 स्टेप्स है इसमें, तो 12 जो राशियाँ होती हैं ना अपनी, उसके हिसाब से उनको सिंबलाइज करते हुए बनाया हुआ है। फिर बीच में तोड़ा गया, बनाया गया, तोड़ा बनाया, और ये जो रोड निकाला है ना ये भी इस गार्डन के हिस्से में से ही निकाला गया है। ऐसा बाहर लिखा हुआ है, तो बाहर का जो है ना रिटर्न डिटेल्स इसको पढ़ के मुझे सबसे अच्छा ये जो है इस पूरे गार्डन का ऊपर का जो पहाड़ का जो हिस्सा देखने में, कैमरा में पता नहीं जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ही भव्य दिख रहा है। ये भाई साहब मिले हैं, ये है ना इसमें निषाद गार्डन में सफाई कर रहे हैं। इन्होंने झाड़ू देखो क्या मस्त बनाई है कांटों से, ताकि ये जो कच्ची मिट्टी होती है ना इसमें झाड़ू लगाने में आसानी रहे। भाई साहब दिमाग बढ़िया लगाया अपने। ये जो मैंने इसका जो राइटअप पढ़ा ना उसमें निषाद मतलब पैराडाइस ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई थी कि ये शाहजहाँ के टाइम पे बना हुआ है। नूरजहाँ के भाई जो थे ना, जो शायद यहाँ के गवर्नर वगैरह रहे होंगे, उन्होंने बनाया ऐसा लिखा हुआ है। फिर उसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ लिखी हुई है कि इसमें जो ये प्लेटफॉर्म्स है ना, जो जितने भी गार्डन में जो स्टेप्स बने हुए हैं, ये 12 स्टेप्स 12 राशियों को डिनोट करते हुए बताया है। तो मुझे नहीं लगता शाहजहाँ अंकल को 12 राशियों के बारे में पता था होगा, या हो भी सकता है, आई डोंट नो, तो वो किसी ने बनाया होगा, लेकिन बनाया बहुत अच्छा। और सबसे दिव्य चीज़ जो है वो ये है कि ये पहाड़ी, फिर ये गार्डन, और वो उधर दिख नहीं रहा है कैमरा में, उधर लेक है जो मैंने पहले ही दिखा दिया आपको, ये सबसे बढ़िया चीज़ है।
इतनी सुंदर जगह को गंदा करने में सहयोग किया है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा उल्टा काम करते हैं। ये उठाते हैं इसको, इसको भी उठाते हैं ना। फिर ऐसे ऐसा क्यों करते हो यार? बिल्कुल ही दिमाग है नहीं है? कौन से देश में पैदा हुए हो? इतना सुंदर गार्डन है, ये देखो इतना कचरा उठाया, अब उसको उसमें डस्टबिन में फेंकते हैं। ऐसा क्यों कर देते हैं पता नहीं, ये मेरे देश में खास बात है, स्पेशल गंदगी फैलाने में एक्सपर्ट, इसको इसमें डस्टबिन में डाल देते हैं। था यार ये पे पास में था, यहाँ कचरा फैलाया गया। ये देखो भगवान, भगवान नहीं दिखते ना लोगों को, ये भगवान दिखाई देंगे। देखो ये कितना बड़ा पेड़ किसने बनाया? ये जिस कैमरा से मैं फोटो खींच रहा हूँ, छोटा सा कैमरा है इससे फोटो खींच रहा हूँ, उसके बारे में GoPro कंपनी का नाम, ये वो, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कितनी बातें करते हैं। ये देखो भव्य पेड़ एक, ये किसने बनाया होगा? ये हमारे बंसी वाले के टीम के अलावा कोई नहीं बना सकता। ऊपर पहाड़ देखो, ये पौधे इतने सुंदर, फूल, ये सुफूल, सारी जगह भगवान ही भगवान दिखेंगे आपको। देखना चालू करोगे ना वो कहीं भी दिख जाएंगे। वो देखो चिड़िया उड़ रही है उसमें भी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गार्डन बड़ा सुंदर है। इसमें कुछ कुछ हैं, ये बच्चियाँ फ़ोटो खिंचाने का आनंद ले रही है, बच्चियों को फ़ोटो खिंचाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे भी आता है वैसे। अब ये मुझे नहीं मालूम आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये देखो कौवे का घोंसला, ये ऊपर देखो कौवा, मैंने पहली बार जिंदगी में देखा कौवा। खुद का घोंसला कभी नहीं बनाता, कौवा है या कोयल है बता रही, कोयल के घोंसले में कौवा रहता है, मुझे नहीं मालूम यार, दिखने में तो कौवे जैसा ही दिख रहा है। आप लोग बताओ कमेंट में, पूरे ऊपर तक देखो पूरा अपार्टमेंट है, पूरी बिल्डिंग होती है ना, जैसे ये एक मकान, वो ऊपर एक मकान, वो देखो वो ऊपर गया, वो देखो खूब सारे कौवे है या कोयल है पता नहीं। ये जो निषाद गार्डन का, ये यहाँ तक ओपन एरिया कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से मुझे लगता है जो बाहर लिखा हुआ था ना जनाना एरिया, प्राइवेट एरिया, वो यहाँ से है। तो इधर अंदर चलते हैं, थोड़ा खूब सारे स्कूल के बच्चे हैं, बच्चे स्कूल के खूब सारे, ये हम आ गए हैं जो टॉप प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, एक छोटी सी यहाँ पे मकान या महल या झोपड़ी या कुटिया ऐसे समझ लीजिए है, पीछे का एरिया अटैच है इसमें, इसे मकान दिख रहे हैं। और ये देखो कितना सुंदर एरिया है, कोई पेड़ लगे हुए, अभी खूब सारे स्कूल के बच्चे गए हैं, यहाँ से निकलेंगे। इधर पहले दिखाया था मैंने, खूब सारे स्कूल के बच्चे, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर आप श्रीनगर आए नहीं है कभी तो ज़रूर आइएगा। और निषाद गार्डन से जो मतलब गेट से राइट की तरफ जब जाएंगे ना, तो पूरा डल लेक का एक बिल्कुल पीसफुल एरिया है, जो अभी आज मैं 2022 में बना रहा हूँ, ये जो मैं अभी आज बना रहा हूँ ना वीडियो, उस डेट पे काफ़ी पीसफुल है, बिल्कुल पीसफुल, कोई नहीं, एकदम बिल्कुल शांति, बहुत कम लोग थे, बहुत अच्छा लगा, आपने देखा होगा। ये जो लगे हुए हैं ना उसको बनाने के लिए, तो ये पहले तो मुझे लग रहा था कि ईंटें हैं, लेकिन ये देखो आप, ईंटें नहीं हैं, ये पत्थर है, पत्थर को फिर चूने से, कैल्शियम सिलिकेट से बॉन्ड करके, क्योंकि मेरा क्या इंटीरियर्स का इसका बिल्डिंग मटेरियल का काम है, मेरा दूसरा चैनल है इंटीरियर दोस्त, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरी जो दीवार है ना, ये पत्थर और चूने की बॉन्डिंग से बनाई हुई है, और ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनको भी चूने से ही कनेक्ट किया। ये देखो चूना है, ये हाथ लगाओगे ना ऐसे झड़ रहा है अभी, थोड़ा बहुत साल हो गए इसके, पर अभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जितनी ज़्यादा साल तक चले उतना अच्छा है। तो देखिए ऊपर का प्लास्टर निकल गया है ग्रेजुअली, जैसे मैंने उंगली लगाया तो थोड़ा झड़ा था ना उस वजह से, और ये काफ़ी सालों साल पुरानी चीज़ें हैं ये, और पहले मेनली प्लास्टरिंग के लिए कैल्शियम सिलिकेट का ही यूज़ किया जाता था, आजकल जैसे सीमेंट लगाते ना वैसे। ये बच्चे तैर रहे हैं, ओ बाप रे, आहा
तो कपड़े पहन के कूद गया। ये देखो फवारा दिख रहा है, ये सुरक्षित है। इसको या तो तोड़ दिया गया है या टूट गया है ये, और भारतवर्ष में तो ज़रूर किसी ने तोड़ा ही होगा। अपने आप टूटने के चांस थोड़ा कम ही है हमारे यहाँ पे। और ये फवारे हैं जैसे अभी चल नहीं रहे, मेरे हिसाब से जब चलते होंगे तो बहुत खूबसूरत लगते होंगे। टूरिस्ट स्पॉट में खासियत होती है ना कपड़े कश्मीरी ड्रेस पहन के फोटो खिंचाने की। ये लोग देखो खिंचवा रहे हैं खूब सारे लोग लाइन से। अब हम आ गए हज़रतबल दरगाह। यहाँ पे पैगंबर साहब का बाल है, हज़रत बल, हज़रत पैगंबर जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की थी उनका ये है। अब यहाँ दरगाह में हम जा रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जा सकते हैं। ये हम दरगाह शरीफ के अंदर आ गए हैं और ये पूरी सब नमाज होती होगी ना उसके लिए पूरी कारपेट बिछी हुई है। नहीं बना सकते साउथ कोरिया से। ये देखो उनको साड़ी बना रहे हैं, वो खुद का भी वीडियो बना रही है, मैं इनका उनका वीडियो बना रहा हूँ। ये हाथ से लिखी हुई कुरान है, इसका दो पेज खुले हुए हैं। ये भाई साहब ने बताया वो भी कुरान है। सुबह शंकराचार्य जी के मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, शाम को हज़रतबल जी के दर्शन कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन ये हमेशा नहीं दिखाते, दस साल में 10-11 दिन होते हैं तब दिखाते हैं। वो अभी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो जहाँ से दिखाया जाता है वो उन्होंने बताया। एक थे भाई साहब, उन्होंने धन्यवाद, बहुत प्यार से अच्छे से समझाया हमको, अच्छा लगा। ये टेंसाइल स्ट्रक्चर का पूरा शेड बना हुआ है, अच्छा बढ़िया। और ये बाहर का, और ये हज़रतबल दरगाह के एरिया का पार्क, देखा पूरा काफ़ी बड़ा सारा एरिया है जिसमें बैठने के लिए या कोई भी फंक्शन वगैरह करने के लिए ना। तो ये हम हज़रतबल दरगाह के दर्शन करके आगे अंदर चले गए। श्राइन का वीडियो बनाने नहीं दिया, जहाँ तक का वीडियो बनाने दिया वहाँ तक का वीडियो मैंने बना लिया है आप लोगों के लिए। और ये पूरी जनता दरगाह शरीफ का दर्शन करके आई है, अच्छा लगा हमको। और बाप रे कितनी बड़ी रोटी है, कौन सी पूड़ी है, ये देखो जलेबी वाली भी सब, मिठाई की दुकान दरगाह के सामने, बहुत ही बढ़िया। कितना इंच का होगा, कम से कम 2 फुट का होगा है? नहीं नहीं, इसे काट काट के देते होंगे कैसे, मतलब क्या वजन से देते होगा, वेट। ये मीठा है, ये हलवा किस चीज़ का, सब्जी अलग से ले जाओ और खा लो। ये मुझे अच्छी लगी होटल, है ना, मस्त लग रही है ना। ये देखो ये थोड़ा सा पुराना काफी कश्मीर का फील आ रहा है, लाल चौक में आप। तो आप हम आ गए बिल्कुल लाल चौक के अंदर मार्केट में, मस्त कश्मीर में कुछ चहल पहल ले। हमें ना डिनर अभी कृष्णा ढाबा में कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा नंबर आया। ये वाइट ड्रेस वाले जो सरदार जी खड़े हैं ये उस टेबल में, मतलब आपको बुक करने के लिए खड़े हैं। हर टेबल में जो भी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं उसके बगल में ऑलरेडी पहले से लोग उस टेबल में कब्जा करने के लिए बैठे हैं। हमारे में भी सोहम ने और शिव ने ये वाली टेबल पर कब्जा किया है। खासा ढाबा है और फुल भीड़ है ना। ये देखो इधर वाले हिस्से में ये हमने खाया, ये भी सोहम खा रहा है। भाई साहब हमारे नंबर लगा रहे थे और पहले हमने नंबर लगाया था, ये जो सामने है ना ये भी नंबर लगा रहे हैं जो खड़े हैं ना बीच में। ये बाहर देखो लोग बाहर बैठे हुए, और ढाबे का नाम दिखाता हूँ पूर्व को, कृष्णा हमारे ठाकुर जी का नाम है, कृष्णा वैष्णव भोजनालय, और क्वालिटी बहुत बढ़िया, मज़ा आया वहाँ। ये तो वेट करना, लोगों का इंतज़ार करना कि कितनी जल्दी खा के उठे, बड़ा ही मज़ा आया। तो अब हम रूम में आ गए हैं और आज की जो यात्रा है वो यहाँ पे समाप्त होती है। अब हम कल सुबह निकलेंगे ले के लिए, सोनमर्ग, सोनमर्ग से ले, फिर रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा तो रुक जाएंगे। तो कल हम आपको श्रीनगर से
लेकर रास्ता दिखाएंगे। बीच में कारगिल आएगा, सोनमर्ग आएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं ब्लॉग को, फिर अब कल बात करेंगे अलग से।